बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अहमदुकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि INVT का जो VFD है, गुड ड्राइव 200A, इसके अंदर जो मोटर को चलाने के लिए मोटर के जो नेसेसरी पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आइए चलते हैं मोटर के ग्रुप की तरफ और इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो मोटर के लिए ज़रूरी पैरामीटर्स हैं वो कौन से हैं और इनकी जो सेटिंग है वो किस रेंज के अंदर की जाती है। तो जी व्यूवर्स, ये स्क्रीन के ऊपर आपको P02 ग्रुप मोटर के नाम से नज़र आ रहा है, मोटर 1 के नाम से। तो ये जो है ये मोटर के पैरामीटर्स हैं, यानी कोई भी मोटर जो आपने VFD के साथ कनेक्ट करनी है उसकी जो रेटिंग है वो आपको VFD के अंदर ऐड करनी पड़ती है। अगर आप उसकी रेटिंग को VFD के अंदर ऐड नहीं करेंगे तो मोटर जो VFD जो है वो अपनी सेफ्टी जो है वो बरकरार नहीं रख सकेगा। अगर आपकी मोटर जो है वो ओवरलोड होती है तो VFD ट्रिपिंग पे नहीं जाएगा, तो VFD क्या होगा कि उससे जैसे ही मोटर ओवरलोड होती रहेगी आपकी जो मोटर है वो बर्न हो जाएगी, VFD जो है उसकी सेफ्टीज ऑपरेट नहीं होंगी। तो इसके लिए जो ज़रूरी पैरामीटर है, सबसे पहले P02.01 रेटेड पावर है, ये उसने बताया हुआ है 0.1 से लेके 3000 किलोवाट तक है। तो आपके पास जितने किलोवाट की मोटर है, फर्ज करें मैं कहता हूँ जी मेरे पास 5.5 किलोवाट की मोटर है, तो आपने यहाँ पे जो सेटिंग कर देनी है वो 5.5 किलोवाट लिख देना है। उसके बाद वो कह रहा है कि रेटेड फ्रीक्वेंसी P02.02, यानी आप कितनी फ्रीक्वेंसी जो है उसके ऊपर इसे चलाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है और डिफ़ॉल्ट भी 50 होती है। अगर आप इससे कम फ्रीक्वेंसी या ज़्यादा पे चलाना चाह रहे हैं तो आप इसकी सेटिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मोटर के RPM होते हैं, हर जो मोटर होती है उसके डिफरेंट RPM होते हैं। कुछ मोटर्स हैं वो 1450 RPM की होती हैं, कुछ 2900 की होती हैं, कुछ 850 RPM की भी होती हैं। तो यहाँ पे ये देखें 1 से लेके 36000 RPM तक जो है वो लिमिट अवेलेबल है। तो आप जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी आपकी जो मोटर है उसकी नेम प्लेट पर जो डाटा लिखा हुआ है आप उसके डाटा के मुताबिक जो है वो इसके ऊपर सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज जो है वो अमूमन 3 फेज़ के लिए 400 सेट किए जाते हैं। तो ये भी आप अपनी मोटर की नेम प्लेट को देखते हुए सेट करते हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये मोटर की जो नेम प्लेट है उसके ऊपर अवेलेबल होती हैं। तो मैं आपको एक मोटर जो है उसकी नेम प्लेट फिज़िकली दिखा भी देता हूँ, उसमें आपको पता चल सकेगा कि मोटर के ऊपर कौन कौन सी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। तो जी व्यूवर्स, ये देखें आपको स्क्रीन पे जो है वो मोटर की नेम प्लेट नज़र आ रही है। तो अगर मैं ये वोल्टेज वाली लाइन से आपको बताना शुरू करूँ तो ये 400 वोल्टेज हैं, 50 हर्ट्स है और 5.5 किलोवाट की मोटर है ये, और 10.8 एम्पीयर है इसके मैक्सिमम और ये इसका पावर फैक्टर है। उसके अलावा इसके जो RPM है वो 1430 RPM है। तो ये तमाम जो डिटेल है ये आपने VFD के अंदर पुट करनी है, यानी फर्स्ट जो पॉइंट है उसके ऊपर आपने इसके किलोवाट पुट करने हैं, फिर आपने इसकी फ्रीक्वेंसी पुट करनी है, फिर इसकी स्पीड पुट करनी है और रेटेड वोल्टेज पुट करने हैं। तो ये इस मोटर के अंदर दो तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जब आप इसको 400 वोल्टेज पे चलाएंगे तो ये सारी डिटेल इसकी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इसे 480 पे चलाते हैं तो फिर ये 60 हर्ट्ज पे चलेगी, 10.8 जो है इसका मैक्सिमम एम्पीयर्स हैं और ये 6.6 किलोवाट की होगी ये, और पावर फैक्टर जो है ये होगा, और उसके अलावा इसके जो RPM है वो 1720 हो जाएंगे। तो ये व्यूवर्स मोटर की नेम प्लेट है जो आपने किसी भी VFD के साथ जब मोटर कनेक्ट करनी है तो उससे पहले आपने जो मोटर की नेम प्लेट का डेटा है वो VFD के अंदर लाजमी डालना है। अगर आप ये डेटा नहीं डालेंगे तो आपका जो VFD है उसकी सेफ्टीज ऑपरेट नहीं होंगी और आपकी मोटर जो है वो बर्न हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके अंदर हमने सीखा कि मोटर की जो नेम प्लेट का डेटा है वो VFD के अंदर किस तरह से पुट किया जाता है उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या किसी टॉपिक की आपको समझ नहीं आएगी तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो पेज पे मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास तमाम VFDs के कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा HMI और PLC की जो है वो भी ट्रेनिंग करवाई जाती है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।